दोस्तों स्वागत है आपका आईपीएल 2021 के मैच नंबर 12 के हाइलाइट्स में, जो कि खेला गया था राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया और दोस्तों चेन्नई की तरफ से हमें ओपन करते हुए नजर आए फैफ डू प्लेसिस अलॉन्ग विद ऋतुराज गायकवाड़। बट दोस्तों चीज़ें ज़्यादा सही नहीं गई चेन्नई के लिए और बहुत जल्द ऋतुराज गायकवाड़ अपना विकेट गंवा बैठते हैं। जब चेन्नई का स्कोर 25 रन हो रहा था, यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो जाते हैं। बट दोस्तों इसके बाद यहाँ पे फैफ डू प्लेसिस कंटिन्यू रखते हैं और हमें ऐसा लग रहा है टीम बड़ा स्कोर बनाएगी। बट स्टिल गाइस यहाँ पे हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है और फैफ डू प्लेसिस भी अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें एक छोटी सी पार्टनरशिप देखने को मिलती है बिटवीन मोइन अली एंड सुरेश रैना। मोइन अली बहुत अच्छे नजर आ रहे थे और बहुत अच्छे शॉट्स भी लगा रहे थे और ऐसा लग रहा था चेन्नई की टीम बड़ा स्कोर बनाएगी। बट स्टिल गाइस यहाँ पे इसके बाद मोइन अली अपना विकेट गंवा बैठते हैं। इसके बाद दोस्तों अगेन हमें देखने को मिलता है अमती रायडू और सुरेश रैना के बीच में पार्टनरशिप। बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और बहुत अच्छे स्कोर दोनों बना रहे थे, हालांकि दोस्तों धीमे रेट से चल रहे। बट स्टिल गाइस ऐसा लग रहा था ये दोनों रहेंगे तो बड़े स्कोर बना पाएंगे। बट दोस्तों इसके बाद यहाँ पे अब रेगुलर इंटरवल्स में विकेट गिनने चालू हो गए। पहले अमती रायडू आउट हुए, फिर सुरेश रैना भी आउट हुए और दोस्तों इसके बाद हमने देखा रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी क्रीज पे थे। हालांकि दोस्तों एम एस धोनी स्टार्टिंग में स्ट्रगल करते बट जैसे वो लय में यार कुछ शॉट्स लगाए उसके बाद दोस्तों हम देखें कि यहाँ पे वो आउट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरह से टीम को बहुत बड़ा झटका लगता है। इसके जस्ट बाद हमें देखने को मिला दोस्तों रविंद्र जडेजा भी बहुत जल्द अपना विकेट गंवा बैठते, तो कहीं ना कहीं टीम पूरी तरह से बैकफुट पे आ जाती है। बट दोस्तों इसके बाद यहाँ पे डीजी ब्रावो और सैम करन ने मिलकर इनिंग्स को अच्छे से खत्म किया। हालांकि दोस्तों सैम करन लास्ट ओवर में आउट हुए थे बट स्टिल डीजी ब्रावो ने अच्छे शॉट्स लगाए और कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है अच्छा स्कोर बना पाती है। स्कोर कार्ड की बात करें अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो बड़े स्कोर हमें देखने को नहीं मिले चेन्नई के प्लेयर्स की तरफ से। बट स्टिल गाइस यहाँ पे छोटे कंट्रीब्यूशन थे और बहुत थे वो छोटे कंट्रीब्यूशन चेन्नई को अच्छा टोटल पे पहुंचाने के लिए। बॉलिंग स्कोर कार्ड अपने स्क्रीन पर देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पे यंग फास्ट बॉलर चेतन सकरिया ने बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया जस्ट बिकॉज उन्होंने 3 विकेट्स लिए और मेजर विकेट्स लिए। सेकेंड इनिंग्स की बात करें तो मनन वोरा और जॉस बटलर ओपन करते हुए नजर आते हैं। जॉस बटलर कुछ अलग ही नजर आ रहे थे और अलग इंटेंशन के साथ नजर आ रहे थे। बट दोस्तों बहुत जल्द राजस्थान की टीम को झटका लगता है जब यहाँ पे मनन वोरा अपना विकेट गंवा बैठते। बट स्टिल गाइस जॉस बटलर कंटिन्यू रखते हैं। बट दोस्तों इसके बाद हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है जब यहाँ पे जॉस बटलर अपना विकेट गंवा देते हैं और दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब पूरी तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है बैकफुट पे आ जाती है जस्ट बिकॉज संजू सैमसन भी बहुत जल्द आउट हो जाते और दोस्तों इसके बाद मान लिया शिवम दुबे जो है वो आते बच कुछ देर टिकने के बाद वो भी अपना विकेट बहुत जल्द गंवा बैठती है। और दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पे विकेट्स की लाइन लग जाती है। मोइन अली दोस्तों स्पेशली यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने लगातार बैक टू बैक विकेट्स निकाले। ओवरऑल उन्होंने दोस्तों 3 विकेट्स लिए बट स्टिल रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट निकालने के चलते यहाँ पे जो है पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम और उनके हाथ से भी ये मैच निकल चुका था। हालांकि दोस्तों राहुल तेवतिया लास्ट में शॉट्स लगाते बट स्टिल वो भी अपना विकेट गंवा बैठते और कुछ इस तरह से राजस्थान रॉयल्स की टीम ये मैच को आसानी से हार जाती है। दोस्तों बात करें चेन्नई की टीम जो है 45 रन से ये मैच जीत चुकी थी। अब स्कोर कार्ड अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जॉस बटलर के अलावा दोस्तों हमें कोई बड़ा स्कोर यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। बॉलिंग फिगर्स के बारे में बात करें दोस्तों मोइन अली ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और बहुत अच्छे 3 विकेट्स उन्होंने निकाल के दिए, इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करके दी, तो कुछ इस तरह का मैच हमें देखने को मिला। इसके बारे में आपके क्या थॉट्स है बता सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में।